मैं ये भी एक बात जल्द मंजर आम पे लाऊंगा कि लो सारा कत यानी ये जब हम दौरा हदीस में पढ़ाते हैं साल हा साल से और कई जलसों के अंदर ये वाज किया कि यहाँ अगरचे रसूल पाक सल्ला वम ने वाज तौर पर नाम लिया है सयदा फातिमा रदी अल्लाह अनहा का और वो भी बतौर फ़र्ज़ कि अगर वो ऐसा करती अगला जुमला बोला तो मैंने उलमा को जो दौरा हदीस में थे उन्हें समझाया कई बार कई सालों के उलमा जो हमारे फारिग तहसील हैं उस पर गवाही देंगे कई सेमिनारों में और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका सबक का उस दिन का वीडियो क्लिप मिल जाए कि जिसके अंदर वो बात मौजूद है और मैं पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता हूं तहदीस नेमत के तौर पर कि कोई आलम इस्लाम का शेखुल हदीस और बिलखसूस ये जो आज गुस्ताखियों के इल्जाम के घोड़े दौड़ा रहे हैं इनमें से आज से पहले के अपने रिकार्ड में मुझे इस हदीस पर अदाए अदब का वो लेक्चर सुनाएं जो अल्लाह ताला के फजलो करम से बंदा ना चीज इस हदीस पे देता रहा है उम्मीद है मुझे कि एक तो हम जरूर पेश करेंगे अल्लाह के फजल से और मैं ये दावत दूंगा कि मुझे तुम अदब सिखाना चाहते हो मैं गुलाम हाफ़िज़ुल हदीस हूं और मैं हजरत गौ की दहलीज पर अल्लाह के फजल से फैज पाने वाला हूँ मैं आला हजरत फाजल बरेलवी रा फिक्र की गुट्टी रखने वाला हूं मुझसे तुम ये कैसे तो कर सकते हो कि बेदबी का लहजा हो बेदबी के लफज हों या इस तरह की कोई सूरत हाल हो उस चीज़ का भी आप इंतज़ार करें और इंशाल्लाह पेश करूँगा और दूसरी तरफ से यानी किसी साल के कोई किसी की जब साठ साल उम्र है सत्तर साल है अस्सी साल है कि कभी उन्होंने वो हवाला उस मकाम पर उस अंदाज में दिया हो मैं ये नहीं कहता कि किसी ने नहीं दिया होगा मैं ये कहता हूं कि पता तो चलेगा ना कि कौन अपने तोलाबा को अहले बेहत अतहारदी अल्लाह तला का इस तरह अदब सिखाता है क्लास में निजी महाफिल में तो मुझे यकीन है कि जब वो मेरा वो लेक्चर उस सबक से सामने आएगा और दूसरी तरफ से भी लोग उसी हदीस पर जो उनका लेक्चर होगा सामने लाएंगे तो पता चलेगा अल्लाह के, अल्ला के फजल से हजरत हाफिजुल हदीफ राहुल के फैज़ और उनकी बरकत का झंडा आज भी अल्लाह ताला के क़रम से हमारे हाथ में मौजूद है